आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही जबरदस्त कुछ कंप्यूटर की ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ट्रिक्स नंबर वन, फोल्डर बनाइए बिना किसी नेम का। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एन टाइप करके अपने कीबोर्ड में कोई भी फोल्डर बनाते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एन मैंने टाइप करा, तो यहाँ पे देखो विंडो एक बाय डिफॉल्ट नेम दे देता है न्यू फोल्डर। अगर हम इस नेम को हटा भी दे और एंटर मारे, फिर भी देखो फोल्डर बनते समय एक नेम आ जाता है न्यू फोल्डर, ताकि इस फोल्डर को हम एक्सेस कर सकें। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोल्डर बनाइए बिना किसी नेम का। तो ये काम कैसे होगा, आपको कंट्रोल शिफ्ट एन से फोल्डर बनाना है, उसके बाद Alt 0160 टाइप करके एंटर प्रेस करना है। तो अभी देखो बिना नेम का ये फोल्डर बन चुका है। इस फोल्डर का नुकसान क्या है कि इसके अंदर के डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको इसके पास आना होगा। नेम से सर्च नहीं कर पाएंगे इस फोल्डर को, क्योंकि इस फोल्डर का कोई भी नेम नहीं है। ट्रिक नंबर टू, क्या एक नाम का दो फोल्डर हो सकता है हमारे सिस्टम में? बिल्कुल हो सकता है। तो वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास ये फोल्डर है, इसका तो कोई नाम है नहीं, तो हम क्या करते हैं F2 से इसका एक नाम रख लेते हैं A। तो अभी इस फोल्डर का नाम A हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और नया फोल्डर बना रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके, और इसका भी नाम हम A रख रहे हैं। और जैसे ही हम एंटर मारेंगे, यहाँ पे देखो रिप्लेस का ऑप्शन आ जा रहा, मतलब ये वाला A इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा और फोल्डर एक ही रहेगा। ये देखो रिप्लेस हो गया, देखो यहाँ पे एक ही फोल्डर है सिर्फ ए नाम का। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एक और फोल्डर रहे हमारे पास, उसका भी नाम ए ही रहे। तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करो अपने कीबोर्ड में, ठीक है, हम करते हैं रिफ्रेश करके, कंट्रोल शिफ्ट एन बन गया नया फोल्डर, फोल्डर का नाम ए रखेंगे। अभी प्रेस करना अल्ट 0160, एंटर मार दो। तो देखो एक नाम का दो फोल्डर है ना, जबरदस्त ट्रिक। तो ये है हमारा बहुत ही यूजफुल ट्रिक, हो सकता है आपको ना पता रहा हो। ट्रिक नंबर थ्री क्या है कि मैग्नीफायर अपने सिस्टम में आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में एक मैग्नीफायर होता है, उसका काम क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी करके दिखाने के लिए। जैसे देखो मेरे नोटपैड में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। मान लो कोई बहुत दूर बैठा है, देखना चाहता है तो नहीं पढ़ पाएगा। तो विंडो प्लस प्रेस करो, मैग्नीफायर ऑन हो चुका है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, देखो स्क्रीन जूम हो चुका है। अभी इसे पढ़ो, अगर अभी भी नहीं पढ़ पा रहे और एक बार प्लस पे दबा दो, अभी पढ़ो। तो देखो मैग्नीफायर क्या करता है ना, किसी भी चीज़ को जूम करके दिखाता है। देखो यहाँ पे हमने इसे पहले जो फोल्डर बनाए थे, यहाँ पे देखो इन सभी का नेम देखो कितना बड़ा बड़ा, दोनों का नेम ए है ना, अभी दिख गया ना, इसका मतलब हमने पहले सही बताया था आपको। इसको बंद करने के लिए इस पे क्लिक कर दो, कट हो जाएगा। तो ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी हमारा अगला ट्रिक क्या है, आप अपने कीबोर्ड से अपने सिस्टम को शट डाउन, रीस्टार्ट, साइन आउट सभी चीजें कर सकते हैं। अल्ट F4 प्रेस करना है, ये विंडो खुल जाएगा। अप डाउन एरो की प्रेस करो, देखो रीस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप, साइन आउट सभी का ऑप्शन आ रहा। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, साइन आउट कर दे रहे, क्योंकि अगर हम शट डाउन करेंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। तो साइन आउट भी नहीं करेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग हो सकता है बंद हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।